जब गालिब के तर्जुमे का जिक्र आया तो एक तर्जुमे का जिक्र यहाँ मैं करना मुनासिब समझता हूँ, और उसमें बड़ी अर्क रेजी की असीर आबिद साहब ने, आपकी नज़र से गुजरा होगा। अच्छा, वो उन्होंने कोई 12-13 साल की मेहनत से गालिब का मंजूम पंजाबी तर्जुमा किया, और वो मुझे तोहफ़तन मरहूम अहमद फराज साहब ने दिया ज़िया मोहिद्दीन साहब की मौजूदगी में, और उन्होंने ये कह के दिया कि मुझे गालिब का जो शेर वैसे समझ में नहीं आता इससे समझ में आ जाता। उनके उनके दो अशार जो मुझे याद हैं जो तर्जुमा, वो एक तो उसमें यह है कि ये लाश बे कफन असद खस्ता जहाँ की है, हक मकफरत करे अजब आज़ाद मर था, तो उसका तर्जुमा उन्होंने किया हुआ है कि बाश पे कफन दे जड़ी लाश है असदुल्ला खान दीजे, अल्लाह बख्शे बंदा जेऊ दसी बंदा खुला डोला सी।